Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dear students, hope you are fine and I also hope you are getting well in your studies. Student, हमने chapter number 4 start किया हुआ है which is about the cells and tissues. So today we are going to study about the cell structures. ठीक है, cell का structure किस तरह का होता है और cell के अंदर पाए जाने वाले जो organelles हैं वो किस तरह work करती हैं, ये आज से इंशाल्लाह ताला हमारी study का concern होगा. सो इसमें लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक ओवरव्यू करवा दूं कि सेल इज़ द असेंबलेज ऑफ ऑर्गेनेलीज. ठीक है, सेल जो है ये सेल ऑर्गेनेलीज से ही बना होता है और कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो सेल ऑर्गेनेलीज तो नहीं होते लेकिन सेल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. इसकी एग्जांपल आप यूँ समझें स्टूडेंट्स कि हमारे घर में जो हमारे कंसर्न की चीज़ें होती हैं वो घर के अंदर पाया जाने वाला सामान होता है लेकिन घर की दीवारें, छत, सीढ़ियाँ, ये जो सारी चीज़ें हैं, ये जो स्ट्रक्चर बनाने वाली चीज़ें हैं, ये सारी की सारी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं घर के लिए, क्योंकि अगर ये होंगी तो घर के अंदर का जो सामान है वो भी सेफ़ होगा और बहुत सारी वो बिरूनी चीज़ों से बचा रहेगा. इसी तरह से सेल के जो स्ट्रक्चर्स हैं, इन सेल स्ट्रक्चर्स में सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, साइटोस्केलेटन और जो आज का हमारा टॉपिक है वो सेल वॉल है. ठीक है, तो स्टूडेंट्स नीचे डायग्राम्स दी हुई हैं. इसमें राइट साइड पे जो डायग्राम है प्लांट सेल की है और लेफ्ट साइड वाली डायग्राम एनिमल सेल प्लांट सेल ही की है लेकिन ये माइक्रोस्कोप से ली गई, यानी कि माइक्रोग्राफ है ये. तो स्टूडेंट्स इसमें देख सकते हैं कि बाहर एक मेम्ब्रेन है सबसे बाहर और इसको सेल वॉल कहा गया है. इसके अंदर जो मेम्ब्रेन है उसको सेल मेम्ब्रेन कहा गया है. ऐसे ही जो प्रोमिनेंट पार्ट है वो न्यूक्लियस है. तो इस तरह से जो है इसको इंशाल्लाह ताला हम अपनी स्टडी में इसको आगे बढ़ाएंगे. अब सबसे पहले आते हैं सेल वॉल पे. सो सेल वॉल बेसिकली नॉन लिविंग होती है. ठीक है, और प्लांट सेल्स की आउटर मेम्ब्रेन होती है. इट इज़ लोकेटेड आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है. स्टूडेंट्स फिगर देखें आप. सो इस फिगर में आपको नज़र आएगा कि सेल वॉल ने सराउंड किया हुआ है सेल को और जो जो डॉट्स की सूरत में जो चीज़ प्रोमिनेंट है वो सेल का न्यूक्लियस है. तो आप देख सकते हैं कि सेल वॉल बेसिकली सेल को शेप दे रही है. ठीक है, ये भी एक माइक्रोग्राफ है जो माइक्रोस्कोप से ली गई है प्लांट सेल्स की. सो ये सपोर्ट दे रही है, शेप प्रोवाइड कर रही है. ठीक है, स्ट्रेंथ दे रही है और ये सारी का सारा जो इनर लिविंग मैटर है जिसको प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है सेल के अंदर, इसको ये सपोर्ट कर रही है. ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं. अच्छा, सेल वॉल प्लांट्स में होती है, एनिमल्स में नहीं होती. उसकी एक रीज़न ये भी समझ में आती है कि एनिमल्स तो अपने प्रोटेक्शन के लिए मूव कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन प्लांट्स जो होते हैं वो आउटर जो एनवायरनमेंट है उसके होने वाले जो उन पर कोई बैड इफ़ेक्ट्स हों उससे वो बच नहीं सकते हैं, मूव नहीं कर सकते हैं. लिहाजा जो प्लांट सेल्स की आउटर मेम्ब्रेन है वो अल्लाह ताला ने नॉन लिविंग बनाई है. ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट्स हम आते हैं सेल वॉल की भी लेयर्स पे. सेल वॉल के अंदर भी आमतौर पे दो लेयर्स होती हैं. जो आउटर लेयर है उसको प्राइमरी सेल वॉल कहा जाता है और उसका जो मेन कंपोनेंट है वो सेलुलोज है जो कार्बोहाइड्रेट्स से बिलोंग करता है. सेलुलोज जो है इसकी बात हम बाद में इंशाल्लाह इसी टॉपिक में करेंगे. तो इसके अलावा कुछ प्लांट सेल्स जिनको एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी इसलिए होता है कि उनका फंक्शन ही इस तरह का होता है. जैसे जाइलम सेल्स, जाइलम के बारे में आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा कि जाइलम टिश्यूज़ जो होते हैं ये वाटर को सप्लाई करने में ये अपना फंक्शन प्ले करते हैं. तो इसका मतलब क्या है कि वाटर ने मुसलसल इनमें से पास होना होता है तो इनको सेल वॉल की भी डबल लेयर की ज़रूरत पड़ती है. लिहाजा इनके अंदर सेकेंडरी सेल वॉल भी होती है. ठीक है, तो आप ये ऊपर वाली फिगर, ये तो एनिमेटेड फिगर बनी हुई है जबकि नीचे वाली फिगर जो है ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ली गई फिगर है जिसमें वो दोनों मेम्ब्रेन्स को, दोनों लेयर्स को वो डिफ्रेंशिएट कर रहा है, प्राइमरी वॉल को भी और सेकेंडरी वॉल को भी. ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट्स प्लाज्मोडेस्मेटा. बेसिकली प्लाज्मोडेस्मेटा क्या है कि प्लांट सेल्स तो जाहिर है सेल्स तो सारे साथ साथ ही जुड़े होते हैं लेकिन सेल्स के अंदर जो है आपस में मटेरियल्स ट्रांसफ़र भी होते हैं. ठीक है, सो मटेरियल्स ट्रांसफ़र होने के लिए क्या होता है, जो एडजेसेंट सेल्स होते हैं, एक साथ साथ मिले सेल होते हैं, इनकी सेल वॉल्स में
पोर्स होते हैं, छोटे छोटे सुराख होते हैं जो जिसकी वजह से कनेक्शन और आपस में कोई इंटरचेंज करना हो तो वो इजी हो जाता है इनके लिए। सो इन पोर्स को आप प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं, ठीक है। जो नीचे वाली फिगर है इसके अंदर प्लाज्मोडेस्माटा की इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ली गई डायग्राम है। इसमें भी आप देख सकते हैं कि चैनल्स बने हुए हैं, रास्ते बने हुए हैं जहाँ से सेल्स अपने विद इन जो है वो कुछ एक्सचेंज कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, सेल वॉल की कंपोजिशन की बात करें तो सेल वॉल में जो प्लांट सेल्स हैं इनकी सेल वॉल सेलुलोज से बनी होती है। सेलुलोज बेसिकली कार्बोहाइड्रेट से बिलोंग करते हैं, और अगर हम बात करें तो सेलुलोज जो है ये वुड के अंदर मैक्सिमम होता है। इसी तरह से जो कॉटन होती है ये सेलुलोज ही की बनी होती है, ठीक है। तो सेलुलोज जो है ये कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, लेकिन सेलुलोज अगर हम खाएं तो ये डाइजेस्ट नहीं होते हैं, ठीक है। इसीलिए हम जो है घास जो होती है इसमें बहुत ज़्यादा सेलुलोज होता है, तो घास हमें डाइजेस्ट नहीं होगी, ठीक है। कॉटन हम खा लें तो हमें डाइजेस्ट नहीं होगी, अगरचे वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है। तो सेलुलोज की बात हो गई। इसके बाद आते हैं काइटिन। काइटिन इज द सेल वॉल ऑफ फंजाई, और इसके अलावा काइटिन जो है ये स्केल्स ऑफ फिश के अंदर, ठीक है, इसी तरह से स्केलेटन ऑफ इंसेक्ट्स के अंदर पाया जाने वाला मटेरियल है। इस तरह से प्रोकैरियोट्स की बात करें, बैक्टीरिया वगैरह, तो जो इनकी सेल वॉल है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन से बनी होती है, और ये कम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं अमाइनो एसिड्स जिनसे प्रोटीन्स बनते हैं, ठीक है, और शुगर्स जिनसे कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं। तो इनका ये मिक्सचर होता है, ये कंपाउंड इनका। तो इस तरह से पेप्टाइडोग्लाइकेन इज द केमिकल विच इज़ प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ प्रोकैरियोट्स। इसके बाद स्टूडेंट्स, हम आज का अगर लेसन रिपीट करें तो इसमें हमने सेलुलर स्ट्रक्चर्स को पढ़ना शुरू किया है, और उसमें सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड साइटोस्केलेटन है। इसके हवाले से आज हमने सेल वॉल के बारे में डिटेल से पढ़ा है, हमने इसकी डेफिनेशन को समझा, ठीक है, कि बेसिकली क्या है, ये नॉन लिविंग लेयर है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर होती है, ठीक है। इसी तरह से इसके फंक्शन को देखा तो ये सपोर्ट और स्ट्रेंथ और शेप प्रोवाइड करने के लिए होती है। फिर प्लाज्मोडेस्माटा ये क्या होते हैं, बिटवीन दैट एडजेसेंट सेल्स, सेल वॉल्स के अंदर ये पोर्स होते हैं जिसके थ्रू सेल्स अपना एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स भी कर सकते हैं। और इसके बाद प्राइमरी और सेकेंडरी वॉल, यानी बाज प्लांट सेल्स में प्राइमरी एक लेयर के साथ साथ एक और लेयर ऑफ सेल वॉल होती है जिसको सेकेंडरी वॉल कहते हैं। फिर कंपोजिशन की बात करें तो कंपोजिशन में जो प्लांट सेल्स हैं उनका से प्लांट सेल्स की सेल वॉल सेलुलोज से बनी होती है, फंजाई के सेल्स की सेल वॉल काइटिन की बनी होती है, और प्रोकैरियोट्स बैक्टीरिया वगैरह की सेल वॉल जो है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन नामी केमिकल से बनी होती है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये आज का लेसन था आपके लिए। जो असाइनमेंट है, आपने सेलुलर स्ट्रक्चर्स के नेम्स याद करने हैं, फोर सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं आपको बताए गए हैं, उनको प्रिपेयर कीजिए। इसी तरह से सेल वॉल के ऊपर अगर आपको नोट लिखने को कहा जाए तो वो आपके लिए लिखना इजी हो, और जो मटेरियल बच्चों लिया गया है वो आपकी बुक से ही कॉपी किया गया है, ठीक है। अपनी वर्डिंग इसमें इसलिए शामिल नहीं की है ताकि आप लोग जब स्लाइड्स को सुन रहे हों, पढ़ रहे हों, और फिर आप उसके बाद जब बुक से रीडिंग करें तो आपको कोई डिफ्रेंशिएट ना फील हो, ठीक है, आपको इतना फ़र्क ना महसूस हो। और फिर जो हेडिंग्स वगैरह हैं वो आप लोगों के लिए इन स्लाइड्स के अंदर ही बन गई हैं, आप इनको वीडियो को पॉज करके आप अपनी बुक के अंदर उसको मार्क करके उसकी हेडिंग्स को लिख सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ज़रूर इस पे होमवर्क कीजिए, ठीक है। आप जितनी देर वीडियो देखते हैं, यानी 8 से 10 मिनट की वीडियो होती है, तो आप एटलीस्ट 8 से 10 मिनट जो हैं वो अपनी वर्किंग के ऊपर लगाएं, ठीक है। और सबसे कम जो दर्जे का होमवर्क है वो ये है कि आप इसको 3 टाइम्स पढ़ें, ठीक है, और इसके अलावा आप इसका नोट जो है, इसके नोट्स, यानी अगर आप सारा सारा नहीं लिखेंगे तो कम से कम जो है हेडिंग्स उनकी ज़रूर प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो कल इंशाल्लाह ताला हम मज़ीद सेलुलर स्ट्रक्चर्स के हवाले से पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।